वेस्ट या बनियान टाइट पहनते हो, इस चीज को अचीव करने के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite Male. Well guys, आज की जो हमारी वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चैनल की। ये जो प्रॉब्लम है दैट इज चेस्ट फैट एंड गायनोकोमेस्टिया, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसी से गुजर रहे हैं। एंड गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट येस, आई हैव बिन थ्रू द गायनोकोमेस्टिया सर्जरी और उसका जो इम्पैक्ट था मेरी लाइफ पे। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ द डायनामाइट मेल चैनल के साथ, जिसमें मेंस पर्सनैलिटी के बारे में स्पेशली बात करते हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने आज बैठा हूं, बट 5 years ago आई वॉज डेफिनेटली नॉट लाइक दिस। और वो गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम से जब मैं रिकवर हुआ, My life turned around। गायनेकोमेस्टिया का मतलब है कि आपके चेस्ट के अंदर कुछ टिश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फॉर्मेशन है वो ब्रेस्ट की तरह लगती है, जिसको हम कहते हैं मैन बूब। और जो लोग इस चीज से एक्चुअली में सफर कर रहे हैं, सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती है। लोग आके मजाक कर देते हैं, उनको बुली करते हैं, या दूध की फैक्ट्री लगा ले, लड़कियां बोलते हैं कि तेरे तो मेरे जैसे हैं, मजाक हो जाता है। लेकिन जब तब वो चीजें आपके माइंड को स्ट्रक करती हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको शेक डाउन करती है, जिससे आप इनसिक्योरिटी फॉर्म कर लेते हो। इस गायनोकोमेस्टिया का जो रिलेशन है वो हार्मोनल इंबैलेंस से है। और गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपको इस चीज का पता चल जाएगा, क्या आपको सिर्फ चेस्ट फैट है या सच में आपको गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है, क्या आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, क्या वो नेचुरली घर पर ट्रीट हो सकता है, या 1% चांस अगर आपको सर्जरी करवाने जाना पड़े तो उसके लिए कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो गलतियां जो मैंने करी जो आपको नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के साथ डील कैसे करना और अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने देना। और गाइस, वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं। और मेरा वैसे बिल्कुल मन नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि सब्सक्राइब वगैरह कर दो। अगर आपको लगे कि यार कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, कोई भी चीज मेरी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है आपकी लाइफ में, तो पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद इन केस अगर आपको लगे तो अपना फीडबैक जरूर दे देना। तो गाइस, स्टार्टिंग विद द वीडियो, फर्स्ट थिंग इज अभी हम पता लगाएंगे क्या आपको सिर्फ चेस्ट फैट है या आपको गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लिया, आपने करने अपने हैंड रेस, ठीक है, और दो उंगलियां लो और अपने निपुलर एरिया पे लगाओ, वहां पे हल्का हल्का मसाज करो। अगर आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल फैट है, दैट मींस वो आपका सिर्फ चेस्ट फैट है। लेकिन अगर आपको वहां पे कोई लंप लग रहा है या ऐसा लग रहा है कोई चीज मूव कर रही है, दैट मींस कि वो गायनोकोमेस्टिया है, वो टिश्यूज डेवलप आपके हो चुके हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वो हो सकता है वो ट्रीट भी हो जाए इजीली, या आपको 1% चांस शायद सर्जरी करवानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल इवेंचुअली बी ओके, मेडिसिन वगैरह से ट्रीट हो जाती है। अभी पूरी वीडियो देखो, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बस। तो गाइस, इस चीज की फॉर्मेशन का रीजन क्या है, पहली चीज के बारे में बात करूं, व्हिच इज प्योरली अबाउट गायनेकोमेस्टिया। जो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं ना, उनका एक कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे उन जनरल लोगों के बारे में जो नेचुरली इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जिनकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेल और फीमेल के अंदर दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल हार्मोन है जो आपके मैस्कुलिन फीचर्स डेवलप करता है, और एस्ट्रोजन आपके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। और ये दोनों हार्मोन्स मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होते हैं और टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं। अगर हम मेल के बारे में बात करें, टेस्टोस्टेरोन उसका हाई रहता है, बट अगर एस्ट्रोजन लेवल्स थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएं तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपकी चेस्ट फैट बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन अगर वो एस्ट्रोजन लेवल कुछ ज्यादा एक्सेस में चला जाए तो वो फॉर्मेशन करता है आपके चेस्ट के अंदर टिश्यूज की। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, इज पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्पेशली टीनेज के अंदर जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन। बट अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो, आप न्यूट्रिशन सही से ना दो, आप वर्कआउट ना करो, जो मेरे केस में भी था, मैंने नहीं करा था, दैट वॉज द ओनली रीजन कि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड बहुत लोग कर रहे हैं। सो टीनेज इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि इसमें आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। कैसे होंगे? विद गुड लाइफस्टाइल चॉइसेस, विद गुड न्यूट्रिशन, विद गुड वर्कआउट रूटीन। तो गाइस अब बात करूंगा इनके साथ डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है, जो सबसे बेसिक स्टेप है अगर आपको चेस्ट फैट है या आपको एक्चुअली में गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको अपने एंड पर करना है, दैट इज द ओवरऑल बॉडी फैट लॉस। अगर आप सोचो कि भाई सिर्फ चेस्ट मार लोगे या मसल डेवलप कर लोगे तो आपका यहां से चेस्ट फैट खत्म हो जाएगा, स्पॉट रिडक्शन कभी भी नहीं होगी, आपको अपनी ओवरऑल बॉडी से फैट रिडक्शन करनी पड़ेगी। फैट लॉस के लिए सबसे प्रैक्टिकल थिंग्स और बेसिक थिंग्स जो आपको अपने एंड पे करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको करना है, अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करना है। टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करोगे तो आपकी मसल डेवलपमेंट होगी और वो प्रमोट करेगा आपका फैट लॉस। आपको ऐड करने हैं मल्टीविटामिंस। दूसरी चीज है ओमेगास ऐड करो जो आपके एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करता है। थर्ड थिंग इज आपको वर्कआउट बहुत अच्छा रिजीम फॉलो करना है, स्पेशली लेग्स वर्कआउट। लेग्स वर्कआउट में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो मसल डेवलपमेंट होगी और साथ में फैट लॉस कहीं ना कहीं होगा। आपने एक हैबिट बनानी है, रोज सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना है, फर्क नहीं पड़ता कि ठंड का टाइम है या गर्मी का टाइम है। अपनी डाइट के अंदर ग्रीन टी ऐड करो, ब्लैक कॉफी ऐड करो, नॉट इन एक्सेस बट थोड़ा लिमिटेड में। और गाइस कैलोरी डेफिसिट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है आपकी फैट लॉस जर्नी में, मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। प्लस अपनी डाइट के अंदर एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड करो। एप्पल साइडर विनेगर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ऑल्सो गाइस आई वांट टू टेल यू अबाउट द ब्रांड कपीवा, हु बाय द वे इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर टुडेज वीडियो। और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज द एप्पल साइडर विनेगर प्लस गार्सिनिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज द क्वालिटी एंड इट्स आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज। और इनका जो एप्पल साइडर विनेगर है दैट इज अलोंग विद द मदर, जो कि अनफिल्टर्ड और प्योर फॉर्म मानी जाती है, जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपको फैट लॉस वेट लॉस में मदद करता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल के अंदर रखता है। और एप्पल साइडर विनेगर की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करता है, आपके फेस पर एक बहुत ही अमेजिंग ग्लो लेके आता है। ऑल्सो इट हैज गार्सिनिया इन इट, जो कि इस जूस की एफिकेसी को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को एक बहुत ही पॉजिटिव डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और इसको लेना किस तरीके से है, फॉर द बेस्ट इंपैक्ट आपने इसको एम्प्टी स्टमक लेना है। छोटे ढक्कन के अंदर 5-10 ml का आपने एप्पल साइडर विनेगर प्लस गार्सिनिया जूस यूज करना है और मिक्स करना है उसको पानी के साथ और सिंपली पी जाना है। और गाइस एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मैं तो पीता ही हूँ, साथ में मेरी फैमिली भी पीती है। एंड अगर आपको बॉडी से फैट लॉस करना है, आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज एप्पल साइडर विनेगर। और गाइस कपीवा की वेबसाइट पे बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो देयर इज अ डिस्काउंट कोड जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हो। तो गाइस ये थी बेसिक और प्रैक्टिकल फैट लॉस रेमेडीज, स्पेशली जिन लोगों को चेस्ट फैट की प्रॉब्लम है। इस चीज को अचीव करने के बाद, अपनी बॉडी से फैट रिडक्शन करने के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम गायनेकोमास्टिया की चीज के बारे में। अब जिन लोगों को पता चला कि हाँ उनके यहाँ टिश्यूज है, देयर इज अ हाई चांस कि आप गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहे हो, जो कि मैंने भी किया। मैं पहले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के वर्ड्स पता है क्या थे मेरे को, वो बोलते अगर आप 2 साल पहले आ जाते ना, आपको जरूरत ही नहीं थी सर्जरी की। तो उनका कहने का मतलब ये था, जब हम टीनेज के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी जब डेवलपमेंट स्टेज पे होती है, उस टाइम पे अगर आप हार्मोन को बैलेंस कर दो तो वो सही हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जा सकती है। बट अगर आप लेट हो जाओगे, जो मेरे केस में हुआ, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। और जिस दिन मेरे को पता चला था ना कि मेरी सर्जरी होनी है, मेरी दुनिया हिल गई थी, बिलीव मी। बट जब मैं उस सिचुएशन से पास हो गया ना, दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। तो जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करोगे और वो चीज डायग्नोस हो जाएगी, यस आप गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहे हो। ट्रीटमेंट किस तरीके से स्टार्ट होती है, सबसे पहले 3-4 महीने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। मेडिसिन के अंदर होगा टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट पिल्स होती हैं, जो कि नेचुरल भी हो सकती है, हो सकता है आपको स्टीरॉइड्स भी दे। मेरे केस में को वीट जर्म ऑयल दिया गया था, फिश ऑयल दिया गया था, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि वो उन मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। अगर इन केस नहीं होता तो सर्जरी कराने के बाद फिर दोबारा से उस चीज की फॉर्मेशन हो सकती है। तो मेक श्योर किया जाता है कि या तो वो खत्म हो जाए, अगर खत्म नहीं होते तो
वो एटलीस्ट स्टेबल हो जाए, मतलब उसका साइज गेन ना हो। और डायग्नोस करने के बाद अगर आपको डॉक्टर बोले कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा तो उसकी बात नहीं सुननी, चेंज दी डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर मेक श्योर करेगा कि आपका हार्मोन जो है वो उस टाइम पे बैलेंस हो जाए, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन वापस से नॉर्मल हो जाए। अब गाइस अगर मेडिसिन वगैरह से भी ठीक नहीं होता तो दैट इज द हार्ड ट्रुथ, यू हैव टू गो थ्रू द सर्जरी। इवन मैंने सर्जरीज भी देखी कि किस तरीके से होती है और अपने माइंड को ना स्ट्रांग बनाया ताकि मैं उस चीज से डील कर पाऊं। और जिस दिन एक्चुअली में मेरी सर्जरी हुई ना भाई, पता भी नहीं चला था। और मेरा तो जनरल एनेस्थीसिया में हुआ था, मेरे को पूरा सुला दिया था, और जब मैं उठा मेरी आंख खुली तो मेरी सर्जरी हो चुकी थी। और उसके बाद माय लाइफ कंप्लीटली टर्न्ड अवे। जिस दिन मेरी सर्जरी थी उन्होंने उस दिन लाइपोसक्शन किया था, मतलब जो टिश्यूज था और जो एक्सेस फैट था उसको वो निकाल दिया था। और सर्जरी वाले दिन ही मैं वापस घर आ गया था। और जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो मेरे साइड में यहाँ पे कुछ ट्यूब डाली गई थी जिसमें एक्सेस जो गंदा ब्लड था वो निकालने के लिए एक सक्शन पंप लगा हुआ था। वो 3 से 4 दिन थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, बट उसके बाद नहीं, 6 महीने के लिए मेरे को वर्कआउट मना था, मेरे को ड्राइविंग नहीं करनी थी। बट उसके बाद जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया मेरी बॉडी एकदम बढ़िया शेप में आ गई। और आज के टाइम पे इतनी कोई खास बॉडी नहीं है, बट मेरी चेस्ट इतनी सही है कि कोई कपड़े पहनूं या फिटिंग वाले कपड़े पहनूं थोड़ी चिजल्ड लगती है। तो गाइस सर्जरी कराने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपने ध्यान रखना है, जो गलती मैंने करी वो आपने नहीं करनी। तो जब मैं सर्जरी कराने गया मेरे को नहीं पता था क्या चीज किस तरीके से वर्क करती है। आई वेंट टू अ जनरल सर्जन, तो उन्होंने मेरे स्कार्स का ध्यान नहीं रखा। तो अगर आप सर्जरी अंडरगो करने जाओ तो मेक श्योर कि आप कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना जो आपके स्कार्स का भी ध्यान रखेंगे। आज के टाइम पे मेरे निप्पल्स पे यहाँ पे स्कार्स है, पहले से कंपैरेटिवली मेरे को अपनी टी शर्ट वगैरह उतारने में या स्विमिंग करने जाते टाइम पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई बॉडी नाउ। और गाइज अगर आप चाहते हो इस पर एक और वीडियो मैं बनाऊं, स्पेशली कि लोगों के साथ डील किया जाए, नेगेटिविटी के साथ कैसे डील किया जाए, जो आपको बुली करते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, आपकी मेंटल स्पेस पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको ओवरकम कैसे करना है, मैं सेम सिचुएशन से डील कर चुका हूं और ओवरकम भी कर चुका हूं। अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि साहिल भाई हमको इस पर वीडियो चाहिए। एंड जो लोग उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं मैं जानता हूं कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, सो हैट्स ऑफ टू यू जो उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। और यहां पे मैं इस चीज का मेक श्योर करने आया हूं, जिस सिचुएशन से मैं नेगेटिव सिचुएशन से डील करा वो सिचुएशन कोई फील ना करे, मैं इसलिए यहां पे वीडियोस बनाने आया हूं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आप बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाते हो, हमारी डायनामाइट फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, वेरी मोटिवेटिंग, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इंस्टाग्राम पे काफी सारी स्टोरीज एंड अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूं, सो मेक श्योर आप मेरे साथ वहां पे भी कनेक्ट कर लो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।